वेलकम टू द आरएफएल और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक बीन डी बाय मास्टर चैफ। बहुत अच्छा है भाई ये, और इसी में एलोपिनो है तो ये ज्यादा फैमिलियर है। अब ये हल्का बोल रहे नमस्कार, जय हिंद जय जय गौर में बताया कि आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मास्टर चाओ के ब्रांड के ब्लैक बीन डिप, जो कि इसके वेबसाइट में सबसे ज्यादा ऐसा दिखता है पॉपुलर, वहाँ पे बहुत ऐसा दिखाता है कि ब्लैक बीन डिप बहुत हेवी चीज है, बहुत हाइप है, ऑर्डर करना ही था हम लोग को। फूड रिव्यूअर है भाई, पकड़ लिया राज, देखेंगे कि क्या है इसका अंदर का राज, कैसा टेस्ट करता है वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। और ब्लैक बीन का जहाँ तक बात रहा जाए तो वो ज्यादातर कैंटोनीज या चाइनीज क्विजीन में यूज होता है, और इसका एक ऑयस्टर सॉस जो आता है, मतलब ऑयस्टर सॉस इन जनरल, किसी ब्रांड का बात नहीं कर रहा, वो चाइनीज क्विजीन या फिर चाइनीज डिशेस में काफी अच्छा फ्लेवर को फैलाता है। अब ये जैसे बोल रहा है कि या तो इसको डिप के हिसाब से यूज कर सकते हैं, कुक विद इट, या तो इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कैसा फ्लेवर प्रोफाइल आएगा वो जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर अच्छा निकलता है तो आपके चाइनीज डिशेज में, हमारे चाइनीज डिशेज में काफी अच्छा चार चांद ले आएगा, और वही इवैल्यूएट करने हम लोग बैठे हैं। तो जल्दी से इस सिंपल रिव्यू को, येट इंपॉर्टेंट रिव्यू को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक दिया रहा वाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे धाकड़ वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो में हमारे सामने है मास्टर चाओ का ब्लैक बीन डिप, अपग्रेड योर फ्लेवर्स, डिप इट, कुक विद इट, तो ये है। अरे भाई साहब तेल ऐसे किसी को फेंक दोगे ना तो गरम हो जाए। इसको निकाल के दिखा क्या हुआ, तेल ऊपर ऐसे तैर रहा है और थोड़ा पंजन सा लग रहा है मेरे को, बट ओके देखने में तो सही, मतलब क्या बोलूं टेस्टी करके बताना होगा। ऐसा घर में अचार होता अचार है? अचार भाई, अचार ऐसा वैसे ही ऊपर जो तेल लपलपाते रहता है, ज्यादा नहीं निकालते, नहीं पता नहीं क्या हो जाए। थोड़ा ही से निकालो भाई, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। हाँ जी, ब्लैक है, थोड़ा डार्क है, डार्क ब्लैक ब्राउन नहीं है। हाँ, और इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं हमारे प्रसूमा के वेज स्प्रिंग रोल के साथ, डिलीशियस। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही अच्छा, एंड रिव्यू भी अच्छा। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यूइंग चैनल है जो उसके बारे में स्प्रिंग रोल रिव्यू लेके आए थे, कहीं नहीं दिखा यूट्यूब पे, हम लोग बहुत खोजा, एंड इवन प्रसूमा के आपको वेबसाइट में भी नहीं मिलता है, नहीं मिला था, पता नहीं अब आ गया होगा या नहीं, चेकआउट कर सकते हैं, उस समय तो नहीं मिला था, और जैसे ही बाइंग लिंक आ जाता है हम लोग डाल देंगे, इसका भी बाइंग लिंक है। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लो, सबका बैंक लिंक वहाँ रहता है, जो आपको पसंद आया, जो रिव्यू देख के लगा आप खरीद। एक बार डिप को ना बस ऐसे ही टेस्ट करते हैं, करना है। ये हमने कभी पहले ट्राई किया है नहीं, तेल ही है मेरे हाथ में। तुमको ये रिजेम्बलेंस लग रहा है वो जो सामने चिली गार्लिक हम लोगों ने ट्राई किया था, पुल इसका मास्टर बैंग बैंग का, हाँ बैंग बैंग चिली गार्लिक जो ट्राई किया था उसमें कुछ का स्मेल तो बहुत ही अजीब सा था, पर टेस्ट नूडल का टेस्ट हाँ, हाँ। था बनने के बाद ऐसा आ रहा था, डिप अच्छा है, हाँ खराब नहीं है, पर ये बहुत स्पेसिफिक लोगों को पसंद आएगा, मैं आपको जिसका बता दे रहा। वैसा टेस्ट है, जिसका वैसा टेस्ट प्रोफाइल है, जो चाइनीज क्विजीन को जानते हैं या उनको अभी बच्चे हैं और ये खाना शुरू कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि पसंद आ सकता है। दिस इज अ डिप जो आपको ना पसंद नहीं आएगा, बट यू हैव टू डेवलप अ पैलेट फॉर इट। और ये तीखा है अभी मेरे को लग रहा है वो, और इसका मैंने एक ग्रेन वाला टाइप भी ऐसे आप पकड़ के खाओगे ना, अच्छा लग रहा है, इट हैज अ पंच इन इट। हां ठीक है, आप कोई भी डिशेस में डालते हैं, बट ये ओवरपावर इजीली कर सकता है, सो यू हैव टू यू नो माइंड द क्वांटिटी जो आप ऐड कर रहे हैं। हालांकि मैं पर्सनली इसको लूंगा या नहीं आई एम इन डाउट, तो मैं इसको रेट भी वैसे ही करूंगा, आई हैव टू डेवलप, थोड़ा सा खाना पड़ेगा इसको तब जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा तीन या चार बार कि मैं अपने शेल्फ के लिए लूंगा या नहीं, बट एज अ डिप दिस इज वेरी नाइस। मैं इसको उसके लिए स्कोर दे सकता हूँ बिकॉज इसमें बैलेंस है,
नमक यू नो जो सार स्वीट एंड सॉल्ट का जो बैलेंस रहना चाहिए एक डिप में वैसा है एंड इट कैन इट इज सूटेबल फॉर स्टर फ्राइज वगैरह। हाँ जी ऊपर से आप नूडल वगैरह में इजिली इसको डाल के थोड़ा फ्लेवरफुल ही बनेगा ये, कुछ खराब नहीं बनेगा। अब इसका अग्नि परीक्षा लेते हैं एक बार ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली मैं इसी का वेट कर रहा था क्योंकि असली तो ऐसे ही खाना है हम लोगों डिपिंग के लिए है कि नहीं ये जानना। डिंग किया बट टेस्ट तो अच्छा है। मैं पर्सनली शेजवान चटनी लूंगा अपने लिए मतलब एज अ डिपिंग सॉस जस्ट बिकॉज कि मेरा टेस्ट प्रोफाइल वैसा डेवलप हुआ हुआ है नॉट कि ये खराब है। बेटर ऑल्टरनेटिव शेजवान चटनी होगा एंड उससे बेटर ऑल्टरनेटिव इसके साथ जो स्वीट चिली आता है डिप वो होगा बट ये कुछ खराब नहीं है भाई। हम लोग उतने कस्टम नहीं है ब्लैक बीन के बट ये काफी अच्छा हो सकता है अगर आप ट्राई करें आपको अच्छा लगा तो आपको अच्छा लग सकता है। अब टेस्ट करने के बाद तो यही मतलब निष्कर्ष निकल रहा है कि डिप अच्छा है इस जस्ट की पैलेट में यूज टू होने का थोड़ा टाइम देरी है और जहां तक मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सॉल्टी साइड में तो इसके साथ थोड़ा सा स्वीट कोई डिश हो कोई स्वीट फ्राइड जैसे स्वीट चिली नाचो हो गया या फिर स्वीट एंड सा फ्राइड चिकन हो गया वैसा चीज के साथ ये डिप काफी अच्छा चल सकता है। अगर आप इसको डिप जैसा नहीं यूज कर रहे तो आप इसको कुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो नूडल्स में डाल सकते हो जो भी थोड़ा चाइनीज वाला सीन है उसमें डाल के एकदम चार चांद लगा देगा ये अच्छा टेस्ट है। एंड कुकिंग में एग्जैक्टली यूज करने का फायदा ये भी है कि आप उसमें बैलेंस कर सकते हो अपने टेस्ट को करके जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो जी चाहे आपको नमक ज्यादा चाहिए होता है या फिर स्वीटनेस ज्यादा चाहिए होता है या सार ज्यादा चाहिए होता है आप वो कुकिंग के टाइम में बैलेंस कर सकते हो। एज अ टिप आपको थोड़ा सा लिमिटेड फ्लेवर प्रोफाइल के साथ ही सेटल होना पड़ेगा बट हमारे मतलब फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अच्छा चीज़ है अच्छा चीज़ है आप ले सकते हो। चिली गार्लिक से मेरे को फार बेटर प्रोडक्ट लगा ये एंड ये अच्छा है इसको काफ़ी प्रमोट भी किया जाता है मास्टर चाओ वेबसाइट में आई कैन सी द रीजन ऑफ इट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडियन ब्रांड्स लेके आ रहे एग्जैक्टली मैन मास्टर चाओ इज एन इंडियन ब्रांड वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट बस बेच वाच मत देना है ना अब कहीं जाना मत आप अच्छा काम कर रहे हो थोड़ा सा बेटर करो एंड बेटर कर रहे हो आप This is a fantastic dip. Yeah. मतलब as a new ingredient introduce होने के लिए this was a very fine thing. तो ये था हमारा आज का review. I hope आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने कभी मास्टर चाओ कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करा है या इन जनरल ये डिप ट्राई करा है कि नहीं और आपका एक्सपीरियंस क्या था वो लव टू नो और ऐसे ही अपना सजेशन देते रहे। ये भी किसी के साथ शायद सजेशन आया था मास्टर चाओ का नहीं नहीं ये अपना सजेशन अपना था तो आप सजेशन दिए बहुत सारे सजेशन हम लोग काम करते हैं उस पर उसका वीडियोज भी लेकर आए हैं पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मोमोज वगैरह तंदूरी मेयो आपका डिशेस का सब कुछ है अपने चैनल पे और आते रहेगा जी। तो अगर जो नहीं आया है आप जरूर बताएं हम उसको जरूर ट्राई करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही हाँ बहुत अच्छा बोलता है ना तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू में तब तक के लिए सावधान रहें सुरक्षित रहें हमेशा खुश रहें जय हिंद।